1971। आज से 51 साल पहले इतिहास का सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, और इस बात की चीख चीख कर गवाही देती है ये तस्वीर जो हर बार पाकिस्तान का सीना छलनी कर जाती है। वैसे तो मौके मौके पर पाकिस्तान इस तस्वीर को देखकर बौखलाता रहा है, लेकिन कुछ खास मौके ऐसे भी आए जब ये तस्वीर सीधे तौर पर पाकिस्तान को चुभ गई। इस तस्वीर को गौर से देखिए। सेना की वर्दी में बैठे भारतीय ऑफिसर की निगाहें टेबल पर रखे दस्तावेज पर है, वहीं बगल में बैठे सैन्य अधिकारी उसी दस्तावेज पर कलम चला रहे हैं, और पीछे खड़े कुछ ऑफिसर कौतूहल भरी नजरों से सारा नजारा देख रहे हैं। तस्वीर को देखने पर सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन है नहीं। ये एक ऐतिहासिक तस्वीर ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के बुजदिली की मिसाल भी है। अब ये तस्वीर पाकिस्तान को इसलिए भी चुभती है क्योंकि कश्मीर की चाह रखने वाले पाकिस्तान का भूगोल भी इसी दिन कम हुआ था और बांग्लादेश को आजादी प्राप्त हुई। ये तस्वीर 1971 में पाकिस्तान के घुटने टेकने का सबूत है। इस तस्वीर में दिख रहे भारतीय अफसर भारतीय सेना के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा हैं, और बगल में पाकिस्तानी फौज के पूर्वी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी हैं। 16 दिसंबर 1971 के दिन ही पाकिस्तान की सेना ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिए थे और भारत ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किए थे, जिसके बाद बांग्लादेश एक नए देश के रूप में दुनिया के नक्शे पर आया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ हार नहीं थी बल्कि भारत ने उसका गुरूर भी तोड़ा था। कश्मीर का राग अलापने वाले पाकिस्तान के टुकड़े कर भारत ने उसका ही भूगोल बिगाड़ दिया, और अब जब भी बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम से जुड़ा कोई मौका आता है तो भारत इस तस्वीर के जरिए पाकिस्तान का सीना छलनी कर देता है। वहीं जब पीएम मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना मिलते हैं तो अक्सर बैकग्राउंड में पाकिस्तानी सरेंडर की तस्वीर दिखती है, और दुनिया भर में ये तस्वीरें शेयर होती हैं और पाकिस्तानी हाथ मलते रह जाते हैं। लेकिन इस शर्मिंदगी से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक आखिरी कोशिश की थी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। किसी भी देश के बीच जंग होती है तो दोनों सेनाएं मरते दम तक लड़ती हैं, और भले ही एक पक्ष की हार हो लेकिन उसके लिए गर्व की बात यह होती है कि उसके सैनिकों ने मरते दम तक लड़ाई लड़ी। परंतु पाकिस्तान की कायर सेना ने पूरे पाकिस्तान को शर्मसार होने पर मजबूर कर दिया जब उसने भारत के सामने घुटने टेक दिए। पाकिस्तानी सेना के एक नहीं, दो नहीं बल्कि 93,000 सैनिकों ने भारतीय जाबाजों के आगे आत्मसमर्पण किया था, और इसीलिए पाकिस्तान को आज एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ रहा है। विजय दिवस पर कई सारे ट्रेंड सोशल मीडिया पर चल रहे हैं, लेकिन उसमें सबसे कॉमन है ये तस्वीर जिसे देखते ही पाकिस्तानी बौखला जाते हैं। अब आपको बताते हैं 1971 की लड़ाई की एक ऐसी कहानी जो कम ही लोगों को पता है, उस कहानी के बारे में जिसमें पाकिस्तान ने इस शर्मिंदगी से बचने के लिए एक आखिरी कोशिश की थी। जी हाँ, पाकिस्तानी सेना ने 1971 के दिसंबर में हर संभव कोशिश की थी जिससे सरेंडर करने की नौबत न आए। यहाँ तक कि हार को नजदीक देख पाकिस्तान ये भी चाहता था कि भारत से समझौता हो जाए, और इसके लिए उसने लास्ट ऑप्शन के तौर पर अमेरिका की मदद ली थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स में ये बताया जाता है कि 13 दिन चली भीषण लड़ाई आखिरी 24 घंटों में अपने अंजाम तक पहुंचने वाली थी। 14-15 दिसंबर 1971 की रात पाकिस्तानी सैनिक ढाका में यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में थे। इधर भारतीय वायुसेना ने मोर्चा संभाल रखा था। 15 दिसंबर की सुबह आईएएफ की स्क्वाड्रन ने एक साथ कई मिशन शुरू कर दिए। ढाका यूनिवर्सिटी शहर के बीचों बीच थी और उसके चारों तरफ ऊंची इमारतें थी। आईएएफ पायलटों ने ऊंची इमारतों के बीच से जंगी जहाजों को उड़ाया तो पाकिस्तानी सैनिकों का कलेजा कांपने लगा। भारतीय जेट इतना नीचे उड़ रहे थे कि बिल्डिंग के ऊपरी फ्लोर से सब कुछ दिखाई दे रहा था। लोग खिड़कियों से भारतीय प्लेन देख रहे थे। पाकिस्तानी सेना को संभलने का मौका नहीं मिला और उसके ठिकानों पर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। बताया ये भी जाता है कि 1200 से ज्यादा रॉकेट ढाका यूनिवर्सिटी बिल्डिंग में फायर किए गए थे।
यूनिवर्सिटी में छिपे पाकिस्तानी सैनिक भीतर से हिल गए। 15 दिसंबर की शाम होते होते पाकिस्तानी सेना के उच्च अधिकारियों ने यूनिवर्सिटी छोड़ दी। वो उस समय शहर के सबसे प्रमुख इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में शिफ्ट हो गए। भारत सरकार ने उसे सुरक्षित घोषित किया था क्योंकि वहां तीसरे देश के नागरिक ठहरे हुए थे। पाकिस्तानी सैन्य अफसरों को लगा कि वहां हमला नहीं होगा और उससे सुरक्षित जगह दूसरी नहीं थी। ढाका को भारतीय फौज ने घेर लिया था। भारतीय नेवी के भी एक्शन की खबर ढाका पहुंच चुकी थी। वहीं पाकिस्तानी सैनिक अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश कर रहे थे। पता चला कि वे बर्मा भागने की फिराक में हैं। सब कुछ तेजी से बदल रहा था। पूर्वी पाकिस्तान में पाक सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल ए.ए.के. नियाजी ने अमेरिकी कॉन्सुल जनरल से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वो सीज फायर यानी संघर्ष विराम के लिए राजी हैं और सत्ता हस्तांतरण करना चाहते हैं। वो चाहते थे कि पाकिस्तानी सैनिकों उनके समर्थकों को सरेंडर करने की बजाय बाहर निकलने दिया जाए। पाक कमांडर का ऑफर वॉशिंगटन से होते हुए नई दिल्ली तक पहुंचा। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास एक्टिव हो गया था। भारत सरकार ने सशर्त सीजफायर को ठुकरा दिया और साफ कह दिया कि पाकिस्तान की सेना को पूर्वी पाकिस्तान में बिना शर्त सरेंडर करना होगा। ये एक बोल्ड और सोच समझकर लिया गया फैसला था, जबकि संयुक्त राष्ट्र में भारत पर जंग रोकने का दबाव बढ़ता जा रहा था। यहाँ तक कि इंडियन आर्मी की कमान संभाल रहे जनरल सैम मानेकशॉ ने तो इंदिरा गांधी से ये भी कह दिया था कि अमेरिका परमाणु हमला कर दे तब मैं कुछ नहीं कर सकता, वरना युद्ध तो हम ही जीतेंगे। लेकिन जीत सत्य की हुई। भारत की मदद से एक नए लोकतंत्र का उदय हुआ और दुनिया के नक्शे पर एक नया देश बना, बांग्लादेश। भारत के सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी को संबोधित करते हुए रेडियो मैसेज दिया। उन्होंने साफ कह दिया कि पाकिस्तानी सैनिकों के सरेंडर करने के बाद ही जंग रुकेगी। उनके ब्रॉडकास्ट में चेतावनी दी गई कि उन्हें कुछ सीनियर पाकिस्तानी अधिकारियों के भागने के प्लान के बारे में पूरी जानकारी है। यहाँ भारतीय खुफिया एजेंसी का रोल समझिए। दिल्ली को सब पता चल चुका था कि पाकिस्तानी अफसर किस जहाज या एयरक्राफ्ट से भागने वाले। जनरल मानेकशॉ ने उनके नाम भी ले लिए। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि भारत के सेना प्रमुख जनरल सैम मानेकशॉ ने ये वादा भी किया कि अगर पाकिस्तान आर्मी सरेंडर करती है तो सभी वर्दीधारी पाकिस्तानियों के साथ जिनेवा कन्वेंशन के तहत व्यवहार किया जाएगा। बीमार लोगों को इलाज मिलेगा और मृतकों को दफनाया जाएगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तानी फौज मरने वाले जवानों को वहीं छोड़कर आगे चली जा रही थी। भारतीय सेना का दबाव और हार को देखते हुए पाकिस्तानी सेना ने सरेंडर कर दिया और ये उसी वक्त की तस्वीर है जो आज भी पाकिस्तान को चुभती है। चलिए कुछ ऐसी तस्वीरों पर नजर डालते हैं जिसमें ये तस्वीर बैकग्राउंड में साफ नजर आती है। सऊदी आर्मी चीफ के साथ मीटिंग के दौरान तत्कालीन सेना प्रमुख नरवणे। ये तस्वीर तो पाकिस्तान को झकझोर कर रख देती है, क्योंकि एक मुस्लिम देश जिसे पाकिस्तान अपने बेहद करीब मानता है उसने भी पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी और सऊदी गैजेट में भी ये तस्वीर पब्लिश हुई। पीएम मोदी और शेख हसीना मिले तो पाकिस्तान को मिर्ची लगी, क्योंकि दोनों के हाथ में थी ये तस्वीर जिससे पाकिस्तान का दर्द ताजा हो गया था। पीएम मोदी और शेख हसीना की ये तस्वीर जिसमें दोनों बैठे हैं और पीछे पाकिस्तान की कायरता का सबूत दीवार पर लटक रहा है। वो दर्द पाकिस्तान का जब उसे सरेंडर तो करना ही पड़ा था, साथ ही में अपना एक बड़ा भूभाग भी गंवाना पड़ा। अब आज भले ही कांग्रेस इस तस्वीर से परहेज करे और भाजपा इस तस्वीर से पाकिस्तान को छेड़े, लेकिन ये तस्वीर उस आयरन लेडी की याद दिलाता है जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर उसे उसकी औकात दिखा दी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और नेता जिसने कभी परिस्थितियों के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि परिस्थितियां हाथ बांधकर उनके सामने नतमस्तक होती रही। ऐसी नेता जिसकी जरूरत आज कांग्रेस में है, जो सेना से सबूत न मांगे बल्कि अमेरिका को भी आंख दिखाने की ताकत रखे और देश की जनता का भरोसा टूटने ना दे।